अभी तक जो हम कैलकुलस पढ़ रहे थे वो कैलकुलस कौन सी थी? फाइनाइट और इनफाइनाइट, या डेफिनेट और इनडेफिनेट कैलकुलस थी। अब आता है वेक्टर। वेक्टर के अंदर आता है एक तो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेड से, ग्रेड। इससे ग्रेड, इसको बोलते हैं ग्रेड, GRAD ग्रेड। ओके, ग्रेडियंट होता है ये। एक ग्रेडियंट होता है, एक होता है कर्ल। कर्ल का मतलब पता है? डेल्टा क्रॉस एक्चुअली कॉल्ड। वेरी गुड। ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है? वेक्टर, कॉर्डल इज अ वेक्टर। कॉर्डलेस वेक्टर। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज आल्सो अ वेक्टर। वेक्टर होता है ग्रेडियंट भी, क्योंकि वेक्टर होता है ये स्केलर फंक्शन के साथ हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब इससे पहले मैं थोड़ा स्केलर और वेक्टर का एक बेसिक पूछ लेता हूं तुमसे। ओनली डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अभी मैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट आई कैप? जीरो। वन। गलत। आई कैप क्रॉस आई कैप? जीरो। 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 जे क्रॉस जे कैप डॉट के कैप? जीरो। आई कैप? जीरो। जीरो। क्रॉस हो तो आई कैप, जे से के में जा रहा है देन आई कैप। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम देखें तो स्केलर सर जे डॉट के जीरो वन थोड़ी ना होगा, उसकी तो कोई वैल्यू आएगी। जे डॉट के जीरो लिखा ना मैंने, जीरो। क्यों? जीरो होता है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जे ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा, इसका इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है जे और के के बीच में? 90। तो कॉस 90 कितना होता है? 1। जीरो। जीरो, सॉरी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर अगर जो अपनी यूनिट वेक्टर है वो खुद के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, और अगर जो अपना यूनिट वेक्टर है उसे किसी और यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। ये चीज समझ में आ गई? ये कभी भूलोगे तो नहीं? ये इन सब की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनमें एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। इनमें एंगल कितना रहता है? 0 डिग्री। और कॉस 0 1 होता है तो वैल्यू 1। बट इन केस ऑफ वेक्टर, वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं हम, आई जे के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। अब आई क्रॉस जे किया मैंने तो क्या आएगा? के कैप। के कैप, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर मैं जे क्रॉस आई कर देता हूं देन माइनस के कैप। माइनस के कैप, वेरी गुड। डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर मैं के डॉट जे, के डॉट जे कर देता हूं देन माइनस आई कैप। वेरी गुड। जीरो डॉट आई है, डॉट डॉट डॉट। जरूरी है कि जो टॉपिक चल रहा है उसी से क्वेश्चन पूछू मैं? नो नो सर। और के वेक्टर, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। तो ये समझ में आ गया? ये डॉट और प्रोडक्ट क्रॉस के अंदर पता चल गया इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब आते हैं हम वापस से अपने टॉपिक पे, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। लेट फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जी बी एनी स्केलर फंक्शन। अब इसे स्केलर फंक्शन क्यों कहा हमने? क्योंकि जो फंक्शन था ना अपना एक्स वाई जेड में, उसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? स्केलर, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट और स्केलर, सो इट इज नोन टू बी अ स्केलर फंक्शन। लेट phi xyz is equal to c be any scalar function, then the gradient of phi represent by the gradient of phi, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, gradient of phi is denoted as grad grad phi or grad of phi। आप इसे वर्डिंग में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो grad of phi, मैथमेटिकली लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो। और इट इज डिफाइंड एज ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डेल फाई बाय डेल जेड। अब मुझे बताओ पार्शियली टोटल डेरिवेटिव है या पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पे? पार्शियल, पार्शियल डेरिवेटिव। वेरी गुड, पार्शियल डेरिवेट होगा यहाँ पे। और पार्शियल डेरिवेटिव बताया था मैंने तुम्हें कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होगा किसी भी स्केलर फंक्शन के लिए? ग्रेडियंट किसका होगा? स्केलर फंक्शन का।
सबसे पहली चीज ग्रेडियंट किसका होगा, स्केलर फंक्शन का। कैसे होगा, अगर कोई फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड में, वो एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन का मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे सी दी हुई है, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई और द ग्रेड ऑफ फाई डिफाइन बाय आई डी डेल फाई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई और डेल फाई बाय डेल जेड। ओके, नाउ इफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज गिवन बाय, अब थोड़ा सा अपना जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो इंटीग्रल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा हटके वेक्टर के अंदर लेके आ जाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर के अंदर उसकी कैप में गैप पोजीशन होती है और वेक्टर के अंदर, और इन सब के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको कैलकुलस भी याद रखनी है, साथ में वेक्टर भी याद रखनी है। सो पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नाउ टेल मी द मॉडुलस ऑफ आर पोजीशन वेक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर रूट। वेरी गुड, अंडर रूट में आर इज इक्वल टू आर आर वेक्टर मॉडुलस इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। सर बट एक चीज पूछनी थी, जब दो चीज दो वेक्टर्स का मॉडुलस निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा क्यों लेते हैं? मॉडुलस थोड़ी निकालते है दो वेक्टर का, वो रिजल्टेंट होता है वो। हाँ तो ये रिजल्टेंट ही तो है, ये तो मॉडुलस है इसकी वैल्यू, मोड ऑफ ये रिजल्टेंट का मतलब, अगर ये ए वेक्टर है ये तुम्हारा बी वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? पैरेलल पैरेलल जो एक जो वेक्टर का जो सम होता है क्या बोलते हैं उसे, या तो आप कौन सा होता है? यस ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम रो। इन दोनों लॉ के बेसिस पे आप इसका रिजल्टेंट जो फाइंड करते हो ना वो होता है। तो तीन का रिजल्टेंट कैसे आएगा? तीन का पहले दो का फाइंड कर लो, फिर उसका तीस के साथ कर लो। नहीं, अगर पॉलीगन नहीं पता आपको तो ट्रायंगल से पहले दो का फाइंड कर लो रिजल्टेंट, फिर उस रिजल्टेंट का तीसरे वेक्टर के साथ फाइंड कर लो, ठीक है। तो आर इजिकल टू ये, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? Yes, अब मैं इसका अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे बताओ वैल्यू, पार्शियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, गलत नहीं होना चाहिए। एक मिनट दिव्या, तुम बताओगी इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंस डेरिवेशन करना है मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में। तुम्हें कंफ्यूजन है ना डेरी इसमें पार्शियल में, कल कह रही थी तुम, तो अब तुम ही बताओगी क्या होगा। टू आर डॉट डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स, टू आर डी आर बाई डेल आर नॉट डी डेल आर, डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ गया? एक्स बाई आर। तो ये सही तो किया है, कल कंफ्यूजन किस चीज में था फिर, समझ में आ गया। वैसे ही डेल आर बाई डेल वाई कितना होगा? वाई बाई आर। और डेल आर बाई डेल जेड? जेड बाई आर। ओके, और हमारा जो ग्रेडियंट है किसी भी फाई के लिए वो क्या होता है? आई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे फर्दर? सो ग्रेडियंट ऑफ आर, जो मेरा आर है फंक्शन, ये फंक्शन है मेरा, ये जो आर फंक्शन है ये क्या है? एक टेल मी स्केलर फंक्शन है या नहीं है? स्केलर क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई जेड में है, और वो किसके इक्वल आ रहा है अपने पास? स्केलर क्वांटिटी के। वेरी गुड, आर वेक्टर, हाँ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो हमारा जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का वो किस में आ रहा है हमारे पास? आर के अंदर आ रहा है एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो ये स्केलर फंक्शन है। तो डेफिनेशन यहाँ से फुलफिल कर दी हमने, स्केलर फंक्शन क्या होता है? फाई एक्स वाई जेड में जिसकी वैल्यू हो स्केलर के इक्वल, जो सी अपना स्केलर है, आर की वैल्यू स्केलर वैल्यू है यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ आर, और वी कैन से ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू आई डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल आर बाय डेल जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स? एक्स बाय आर जे के अंदर, वाई बाय आर एंड के अंदर, जेड बाय आर। इफ अगर आर कॉमन लिया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ आर, ठीक है।
इससे मैं इससे और कैसे लिख सकता हूं अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो? एनीवन? आर वेक्टर बाई आर, वेरी दैट इज आर क्या? वेरी गुड, आर वेक्टर बाई आर, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ आर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर ही तो है एक्स आई वाई जे जेड के, ये हमने पोजीशन वेक्टर ही तो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, इस चीज को किया था या नहीं? हाँ ओके, नाउ टेल मी ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर फर्स्ट, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ग्रेडियंट ऑफ r रेस्ट टू पावर n फर्स्ट, जल्दी से बताओ क्या होगा?